पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को लेकर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चौकसी को धोखेबाज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगुआ आकर मेहुल चौकसी से पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेहुल चौकसी को वापस अपने देश जाना ही होगा। पीएम ने कहा है कि मेहुल चौकसी की वजह से कैसे उनके सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है, तो अब प्रधानमंत्री वहां के समझ रहे हैं कि कैसे मेहुल चौकसी जो है वहां के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तब ये बयान प्रधानमंत्री का सामने आया है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो स्वतंत्र हैं और वो पूछताछ के लिए एंटीगुआ आ सकती हैं और मेहुल चौकसी को भारत जाना होगा। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ के इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। दरअसल पीएनबी घोटाले के तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है और अब यह बयान ऐसे वक्त में आया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय एजेंसियां क्या एंटीगुआ जाती हैं और मेहुल चौकसी से केवल पूछताछ ही होती है या उन्हें वापस भारत लेकर आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक चेतन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चेतन, किस तरीके से देखा जाए, अब खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में ये बयान दे रहे हैं जब उन्हें ये पता चल गया है कि मेहुल चौकसी वहां के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसियां स्वतंत्र है, आके पूछताछ करें और भारत ले जाएं। पर अगर हम समझें तो यहाँ पर समस्या क्या है कि एक हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरी नजर आती है। यहाँ पर मैं इसको इच्छा शक्ति से इसलिए जोड़ रहा हूँ, अगर हम देखें ये जो पीएनबी का जो ये जो घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला, ये किसका पैसा है? ये देश के जो एक लोग हैं, जो आम जनता है, जो वोटर्स हैं, उनका पैसा है। अभी उस पैसे को इतना बड़ा गबन करके ये वहां पर चले जाते हैं और वहां की नागरिकता लेके वहां पर जो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और उसके ऊपर हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के अलावा नेताओं ने, अगर आप देखें इसके पहले भी जितने हमारे नेताओं ने पहले, इवन मैं देखिए स्वर्गीय जेटली जी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी स्पष्ट बातें करी थी जब विजय माल्या जी का नाम आया था पहली बार। और हमने क्या सुना, बार बार सरकार की तरफ से एक या दो ही बातें आती रही, जिन्हीं बातों को वो गोल गोल घुमा के शब्दों के जालों में लोगों को गुमराह करते रहे। पहली बात कि बहुत जल्द वापस आ जाएंगे जैसे ही चुनाव आते हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव का मौसम, लेकिन चेतन जी क्या आप नहीं लगता है कि आप तो इच्छा शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप आके पूछताछ कीजिए और लेकर जाइए। अब तो देखिए ये जो ना ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पूरे आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब बातें एक हमें ऑप्टिक्स नजर आती है, इलेक्शन ऑप्टिक्स नजर आती है। चुनाव के समय में हमने पहले भी देखा था कैसे विजय माल्या जी के लिए क्या क्या बोला गया था, हमने देखा था कि कैसे इन्होंने ये ललित मोदी जी के लिए भी पहले क्या क्या बोला गया था। अगर आप कानूनी तरीके से अगर आप समझना चाहें, विजय माल्या को आने में नाना करते करते 20 साल लगेंगे। देखिए आप एक जो रफेल स्कैम, ये अगस्ता स्कैम, उनके आरोपी के लिए मिशेल के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल अलग मुद्दा हो जाता है, एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। चेतन जी कह सकते हैं कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं चेतन जी कि शायद अब भारतीय एजेंसियां जो है वो आगे बढ़कर स्टेप ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।